सो गाइस, गेस करो हम कहाँ हैं। आज हम आए हैं गैजेट टाइम्स के साथ एक नया प्रोडक्ट लेके। दिस इज़ द न्यू गैलेक्सी S23 Plus एंड दिस इज़ द मिड रेंज तो नहीं बोलूँगा, बट ये मिड वाला मॉडल है। इसमें तीन मॉडल्स आते हैं S23 में, द गैलेक्सी S23, S23 Plus एंड द S23 Ultra। सो ये है हमारे पास S23 Plus और करेंगे आज इसका रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। लेट्स स्टार्ट ऑफ बाई सेइंग लाइक डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, डिज़ाइन वाइज देखा जाए इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फ्रंट स्टिल लुक्स द सेम, देयर इज़ अ पंच होल डिस्प्ले ऑन द बैक। दो बैक में आपको थोड़ा डिज़ाइन चेंजेस मिल जाते हैं, कलर थोड़ा अलग है, बट द मेन पार्ट इज़ अ कैमरा आइलैंड आपका चेंज हो चुका है। ये S22 Ultra का जो डिज़ाइन था फ्लोटिंग कैमरा आइलैंड, तो बस वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे आपको जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है आपको, एंड द फ्रंट एंड बैक इज़ ग्लास, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। सो ये फ्रंट एंड बैक आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। इट्स वेरी स्क्रैच रेजिस्टेंट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट आप सो स्क्रैच करो। इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फ़ोन दो, एंड आपको ये फ्रेम ग्लॉसी फॉर्मेट में मिल जाते हैं। यहाँ पे एंटीना बैंड्स हैं आपके। अदर दैन दी बॉडी इसमें डिस्कस करें तो इसमें आपको एक पावर बटन मिल जाता है एंड वॉल्यूम रॉकर, एंड रेस्ट इसमें आप स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है। आपको ये माइक, ऊपर एक माइक मिलता है, नीचे आपको दो माइक्स मिलते हैं, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है विच इज़ केपेबल ऑफ 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, एंड दिस इज स्पीकर ग्रिल में आपको यहाँ और यहाँ दोनों साइड स्पीकर मिल जाता है। सो इट गिव्स यू अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस जब आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर आप कुछ वीडियो देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो। सो आपको एक स्टीरियो एक्सपीरियंस मिलता है विच इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट थिंग ऑन दिस फोन। स्टार्टिंग ऑफ विथ अदर डिज़ाइन एलिमेंट्स, इसमें आपको सिम का ट्रे जो है इसमें आपको नैनो सिम मिल जाता है, डुअल सिम का फीचर है इसमें, एंड इसमें आपको बाकी सारे फीचर्स तो ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन में आपको मिलना चाहिए। वन मोर थिंग मैं इस फ़ोन के बारे में कहना चाहूँगा रिगार्डिंग इट्स डिज़ाइन। दिस फोन इज़ IP68 रेजिस्टेंट। सो IP68 मतलब इट इज़ डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, एंड इट कैन स्टे इन 1.5 मीटर्स ऑफ वाटर अप टू 30 मिनट्स। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ़ोन अंडर वाटर ले जाओ, बिकॉज अगेन इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सैमसंग ने इसमें एडवर्टाइज़ किया था ऑन द S23 सीरीज। सो दिस एल्यूमिनियम फ्रेम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, दिस इज नॉट एक्चुअली एल्यूमिनियम, इट्स आर्मर एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्गर, इट्स स्ट्रॉन्गर एंड इट ऑल्सो इज बेटर एट स्क्रैच रेजिस्टेंट, एंड इसमें लाइक बिकॉज फ्रेम में जो बेंड आता है आपका तो ये बेंड नहीं आएगा। इट्स रियली रियली टफ। करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट, मैं इस पे खड़े हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द डिस्प्ले में आपको इसमें डायनेमिक एमोलेड 2X मिल जाता है। इट ऑल्सो गेट्स 120 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट। सो ऑल्सो वन मोर ग्रेट फीचर अबाउट दिस इज सैमसंग ने बताया है कि इस फीचर में आपका रिफ्रेश रेट कैन गो डाउन टू 1 हर्ट्ज व्हेन यू आर वॉचिंग, लाइक व्हेन यू आर लुकिंग एट फोटोज। तो रिफ्रेश रेट कैन बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड एज पर आपका रिक्वायरमेंट, एज पर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड बैटरी मैनेजमेंट एज वेल। एंड बाकी आगे देखा जाए तो इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन इज 1080x2340 पिक्सल्स विच विथ अ 393 पिक्सल डेंसिटी विच इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट नंबर। एंड इसमें आपको वी हैव वॉच्ड मूवीज। एक तो रिफ्रेश रेट इसका बहुत सही काम करता है, एक तो एंड प्लस इसका द कलर्स पॉप, एंड बिकॉज इट्स एन एमोलेड डिस्प्ले इट इज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच समथिंग ऑन एन एमोलेड और एन OLED। सो अब बात करेंगे हम इसकी सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस की। सॉफ्टवेयर में आपको इसमें एंड्रॉयड 13 मिल जाता है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड इट रन्स ऑन 1UI 5। एक्चुअली 1UI 5.1 था व्हेन वी हैड एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग इट, एंड एंड्रॉयड 13 के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, एंड प्लस इट कम्स पावर्ड बाई द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, एंड ऑल्सो इट्स अ कस्टमाइज वर्जन। सो द 4 नैनोमीटर चिपसेट इज़ नाउ ट्वीक्ड फॉर हायर परफॉर्मेंस, हायर क्लॉक स्पीड्स। इसमें काफ़ी गेम्स खेले, वी प्लेड एपेक्स, वी प्लेड रियल रेसिंग, एंड रियल रेसिंग को हम लोगों ने इसको 60 FPS पर रन किया है एट द हाइस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, एंड इट हैज़ नॉट
caused any issues, no lags, and हमारा day to day usage has been very easy. RAM and memory storage इसकी बात किया जाए तो इसमें दो variants आते हैं. So it comes with 8 GB of RAM, but it comes with in two storage variants, that is 256 GB and 512 GB. So we have the 512 GB with us, and of course जब आपका storage में difference आता है, if your storage is on a higher end, like for example 256 GB versus 512 GB, स्मार्टफोन्स tend to run slightly faster, slightly read and write speeds are faster. Of course, इसमें तो काफ़ी fast होगा because it comes with the UFS 4.0 standard. And you can just, it's a 4 TB hard drive, आपको इसे directly connect कर सकते हो OTG function use करके, and you can access your files on this phone only. So next हमारा जो सेगमेंट है, इट्स द कैमरा सेगमेंट. सैमसंग has done a couple of tweaks, a couple of tunings, and this time the camera quality, I would say image quality, इसका picture quality has increased, and colors काफ़ी pop करते हैं, काफ़ी सही है. Detailing दिन में तो बहुत सही है. Zoom इसका ऑफ कोर्स S23 Ultra जैसा 100x zoom नहीं है, but इसका zoom still works, still is great, and of course zoom करके photos तो हम usually like जब जरूरत होगा तब लेना है, बट डू नॉट जूम इन टू अदर पीपल्स हाउसेस. एंड बाकी कैमरा के स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें तीन कैमरास आपको मिलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विथ अ 50 MP कैमरा, देयर इज अ 10 MP कैमरा, एंड देयर इज अ 12 MP कैमरा. सो द 50 MP कैमरा इज अ वाइड एंगल लेंस, एंड द 10 MP इज अ टेलीफोटो, एंड द 12 जो आपका मेगापिक्सल है, इट्स एन अल्ट्रा वाइड लेंस. सो अल्ट्रा वाइड लेंस आपको ऑलमोस्ट 120 डिग्री का FOV मिल जाता है, एंड ऑल्सो इन द वाइड एंगल लेंस विच इज योर स्टैंडर्ड लेंस, उसमें आपको 50 MP का क्वालिटी मिल जाता है. 50 MP ऑफ कोर्स इट कम्स विद डुअल पिक्सल PDAF, विच इज फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस, एंड इट ऑल्सो कम्स विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फीचर. जब आप वीडियोज ले रहे हो, जब आप फोटोज ले रहे हो इन वेरी इन लो लाइटिंग कंडीशन, तो ये OIS आपको हेल्प करे. इमेज क्वालिटी वाइज, कैमरा वाइज, इट्स रियली ग्रेट कैमरा क्वालिटी. इसके इमेजेस, नाइट फोटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस स्मार्टफोन. नाइट फोटोग्राफी बहुत सही है. आपको वी ट्राई टेकिंग फोटोज इन ऑलमोस्ट पिच डार्कनेस, लाइक सोर्स ऑफ लाइट वॉज लाइक एक छोटा सा बल्ब जल रहा है रूम में, एंड हम लोगों ने फोटोज लिया है, एंड इट्स रियली ग्रेट. कैमरा ओवरऑल क्वालिटी इज रियली ग्रेट. आप इसको यूज़ कर सकते हो एज योर प्राइमरी कैमरा फोन. ऑफकोर्स DSLR वाला डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आएगा, बट It's still like at the top. So इसका video quality is really great. मैं आपको इसके numbers बता देता हूँ, थोड़े stats है. जैसे for example, this phone is capable of shooting at 8K resolution at 24 or 30 FPS. It is capable of shooting at 4K at 30 or 60 FPS. And it is capable of shooting at 1080 resolution at 30, 60 and 240 FPS. And अगर आपको 1080 super slow mo में लेना है तो आप इसको 960 FPS पे भी shoot कर सकते हैं. And it comes with HDR10+, and stereo sound recording, and gyro electronic image stabilizations. अब आप बात करेंगे हम selfie camera के, तो selfie camera इसमें आता है आपको एक 12 MP unit with वाइड एंगल डुअल पिक्सल PDAF. अगेन फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस इसमें दोनों कॉन्स्टेंट है ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक, एंड आपको इसमें HDR10+ मिल जाता है, ऑटो HDR फीचर मिल जाता है आपको इसमें, एंड ऑल्सो द सेल्फी कैमरा इज केपेबल ऑफ शूटिंग एट 4K एज वेल. तो 4K एट 30, 60 FPS और 1080 एट 30 FPS. सो ये आपके हो गए कैमरा के डिटेल्स. अब बात करेंगे हम बैटरी का. बैटरी में S23+ इज रियली ग्रेट, नॉट लाइक द S23 Ultra विच इज़ लाइक अ बीस्ट. इसमें आता है आपको 4700 mAh का बैटरी, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ 45 W फास्ट चार्जिंग, एंड इट्स ऑल्सो केपेबल ऑफ 4.5 W रिवर्स चार्जिंग. रिवर्स चार्जिंग इसमें आपको मिल जाता है. सैमसंग के फ़ोन्स काफ़ी टाइम से वायरलेस पावर शेयर का फीचर लेके आ रहे हैं, वेर यू कैन चार्ज अदर डिवाइसेज विच हैव वायरलेस चार्जिंग फीचर विद दिस. सो दिस बिकम्स एसेंशियली अ चार्जिंग पैड. इस पर आप कोई भी प्रोडक्ट रख दो जो चार्ज वायरलेस चार्जिंग है, एंड इट कैन कीप स्टार्ट चार्जिंग, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर. बट ऑफकोर्स इट्स अ वेरी स्लो चार्जिंग, सो आपको ओवरनाइट रखना पड़ेगा. ऑल्सो इसका 45 W चार्जिंग जो है, अगर आप इसका 45 W चार्जर यूज़ करोगे, सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 Pro है, इट कम्स विद 65 W फास्ट चार्जिंग अडाप्टर. सो वी यूज़ दैट अडाप्टर इफ़ यू टू चार्ज दिस, इट विल चार्ज एट अ फुल 45 W, एंड इसका फुल चार्ज करने में फ्रॉम 0 to 100% इट टेक्स लेस दैन 30 मिनट्स. सो बैटरी बैकअप टोटल प्लस.
सो इसका वर्डिक्ट में हम क्या ही बोले, लाइक दिस इज़ अ फ्लैगशिप डिवाइस एंड दिस हैज़ बिन लाइक अ ग्रेट कंटेंडर इन द करेंट लिस्ट ऑफ फ्लैगशिप दैट वी हैव राइट नाउ इन इंडिया. बाकी देखा जाए इसमें डिस्प्ले प्लस, इसमें परफॉर्मेंस टू गुड, बैटरी टू गुड, कैमरा ऑल्सो टू गुड. सो इसका फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वी लाइक दिस फोन अलॉट एंड वी वुड रियली want to use this phone and हम लोग like we would recommend like ये phone बहुत सही है, but again this is one slight thing because it sits in the middle, so it only defines the fact कि अगर आपको S23 नहीं चाहिए which is because it's a slightly smaller and you want a slightly higher variant in terms of bigger display, थोड़ा bigger battery, तो आप S23 plus के लिए जा सकते हैं if you are not intending to buy the entire full-fledged beast version the S23 Ultra. So the S23 Plus is a nice companion for you. So please like, share and subscribe Gadget Times. और चलिए मैं चलता हूँ. मेरा चश्मा कहाँ है? Yes, मेरा चश्मा. अच्छा, चश्मा चाहिए आपको? ठीक है, ओके ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.